नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ बिहार की एक वैकेंसी निकल के आए, बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, इनवॉल्व के बारे में कैसे पोस्ट करना है, सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, फॉर्म फिलअप गुरु जी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसी जॉब की नोटिफिकेशन अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीजर के मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आप नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये बीआर भवन से निकल के आया है। ये ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात करूंगा पहले इसका नोटिफिकेशन से फुल डिटेल्स, उसके बाद बात करूंगा इसका फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स देना है और कैसे भेजना है, इसको हम सेकेंड पार्ट में आपको विस्तार से प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों, चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये बिहार भवन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। डिपार्टमेंट ऑफ बिहार भवन से निकल के आया है। जो आपका जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली में होगा। नेम ऑफ द एग्जाम ग्रुप डी है और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 32 रखा गया है। उसके बाद सैलरी की बात करें तो पे स्केल लेवल 1 तक आपको मिल जाएगा। अप्लाइड मोड आपको ऑफलाइन में भेजना पड़ेगा, लेकिन इसको आपको कंप्यूटर में टाइप करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका अप्लाइंग लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2022। इसका सारे डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे थ्रू आपको मिल जाएगा, नहीं तो सारे अपडेट मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। और एप्लीकेशन डाउनलोड करना भी आपको इस वेबसाइट पे, मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा एप्लीकेशन का। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका स्टार्टिंग डेट है 30 नवंबर 2022 से 30 दिसंबर 2022 तक। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपको 18 से 37 तक है जनरल मेल कैंडिडेट के लिए, और जनरल फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर आपको 40 ईयर तक आपको छूट मिलेगा। ओबीसी मैक्सिमम एज आपको 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। एससी एसटी कैंडिडेट आपको 5 ईयर का छूट मिलेगा, यानी 44 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप बिहार सरकार में संकल्प पे अपने कार्यकाल किया है तो आपको अलग से छूट मिलेगा। आप जितने साल काम किया है उसके साल के हिसाब से आपको छूट मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपका वैकेंसी डिटेल्स, 32 वैकेंसी रखा गया है। एससी कैंडिडेट मेल के लिए 4, एससी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए 2, ओबीसी कैंडिडेट मेल के लिए 1, ओबीसी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2 रखा गया है। यूआर यानी जनरल के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 15 और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 4 सीट रखा गया है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मेल के लिए यहाँ पर 2 सीट रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1 सीट रखा गया है। टोटल मेल के लिए 22 और फीमेल के लिए 10 सीट रखा गया है। टोटल आपको 32 वैकेंसी रखा गया है। इसमें आपको 10 पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास के अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और ऑल डॉक्यूमेंट्स पे आपको आपका सेल्फ अटेस्टेड होना मस्ट है। और कैंडिडेट को हेल्थ स्वस्थ होना चाहिए, साइकिलिंग में आपको नॉलेज होना चाहिए चलाने की। फीमेल के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है, यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश में भी यहाँ पर आप चेक कर सकते। ऑल एप्लीकेशन आपको टाइप करना पड़ेगा, कैसे करना है उसके बारे में हम बाद में बात करूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भेजना होगा एप्लीकेशन के ऊपर, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। टीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा, 10 का सर्टिफिकेट नहीं तो 10 का एडमिट कार्ड, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, 10 का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप किसी कास्ट से आते हो। बिहार स्टेट के अलावा और किसी स्टेट से आवेदन करते हो तो आपका अप्लाई जनरल के माध्यम से होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। मूल निवास सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यानी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सेल्फ एड्रेस इनवॉल्व देना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको 32 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना पड़ेगा जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बिहार भवन 5 पोतलिया मार्च चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली, इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। 30 दिसंबर 2022 5 बजे से पहले आपको ये एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस पे जाके यहाँ पर आपको टाइप कर लेना होगा, कैसे टाइप करना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले यहाँ पर आपका नेम जो है यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा।
आपका जो नेम है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पिता का नेम यानी आपका फादर का नेम देना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्थायी पत्र यानी आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका वर्तमान पत्र यानी आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर सेम है तो यहाँ पर आपको सेम भरना पड़ेगा, अगर आपका अलग है तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको अलग भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जन्म तिथि यानी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेशनलिटी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आपका जाति यानी आप शेड्यूल कास्ट एससी एसटी यानी आप सामान्य पिछली बार अनुसूचित जनजाति है यानी एससी एसटी ओबीसी जो है यहाँ पर आपके हिसाब से देना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म फिलअप के साथ इसका फॉर्मेट देना होगा और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। अगर आप बिहार स्टेट के अलावा और किसी जगह से आप फिलअप करते हो तो आपको जनरल के माध्यम से यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। आपका जेंडर यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, मेल की फीमेल यहाँ पर आपके हिसाब से फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, यहाँ पर क्रम पे आपको 1 कर लेना होगा। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको 10 क्वालिफिकेशन बताया गया है, आप चाहे तो अदर क्वालिफिकेशन भी दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप 10 भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी बोर्ड से पास कर चुके यहाँ पर आपका स्टेट बोर्ड का नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका परसेंटेज कितना परसेंट था आपने 10 में वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कौन सी ईयर में पास कर चुके हैं उसका ईयर यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने पूर्व किसी सरकारी या सार्वजनिक जगह पर काम किया है तो आपको ईएस देकर उसका डिटेल्स भरना होगा। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा नो करना है, अगर यस तो उसको यहाँ पर फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। यहाँ पर आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स देना है उसका लिस्ट यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एप्लीकेशन के साथ आपको डीओबी प्रूफ यानी जन्मतिथि प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यानी 10 का एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना होगा। अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर मेंशन करते हो तो उसका भी देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा यानी आपका जो कास्ट है यहाँ पर आपको देना होगा। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास सर्टिफिकेट यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या इसे फिलअप करना है और कहाँ से मिलेगा। सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना पड़ेगा, वो आपको लास्ट में बताने वाला हूँ जब आपको सेंड कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा जैसे 10 का एडमिट कार्ड, उसके बाद यहाँ पर आपका 10 का सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पर आपका आपके हिसाब से आप यहाँ पर फिलअप कर लेना होगा आप जो जो डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो यहाँ पर आप जो जो डॉक्यूमेंट्स देंगे आपके हिसाब से यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप जिस तारीख पे फिलअप करोगे उस तारीख का यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्थान यानी आपका प्लेस जिस जगह से आप फिलअप कर रहे हो उसका नेम यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद सारे फिलअप करने के बाद एक बार आपको चेक कर लेना होगा, चेक करने के बाद ये आपको पीडीएफ फाइल में होकर आपको प्रिंट कराना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट कराने के बाद ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना पड़ेगा, उसको लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर कराना है। आप जिस कलर पेन से यानी आपको ब्लैक से ही आपको फिलअप करना है क्योंकि ये ऑफिशियल फॉर्मेट कॉपी है, जिसने आपको टाइप किया वो ब्लैक में ही आपको टाइप करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ब्लैक में ही यहाँ पर आपको रनिंग हैंड सिग्नेचर कराना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रनिंग हैंड का सिग्नेचर कराना है, उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्म आपको फिलअप हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी डोमिसियल की फॉर्मेट कॉपी है यानी पीआरसी स्थायी बासिंदा का, किसी जगह आपको ऑफलाइन में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन में आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आपका जिस तारीख पे फिलअप करोगे उसका डेट होना चाहिए, यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो होना चाहिए जिसके ऊपर आपको एक गोल्ड स्टैम्प लगा होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आपका नेम होना चाहिए, उसके बाद सॉन ऑफ डे का आपका पिताजी का नेम, उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज नेम और वार्ड नंबर जो है यहाँ पर आपको होना चाहिए, उसके बाद पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन और आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आपका सब डिविजनल ऑफिसर का सिग्नेचर और स्टैम्प लगा होना चाहिए। तो ये थी आपकी डोमिसियल की जानकारी जो आपको नियर बाय एसडीओ से जाकर ये आपको फिलअप करना है। ये आपकी एससी एसटी का फॉर्मेट कॉपी है,
जो आपको नियर बाय एसडीओ से आपको फिलअप कराना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, विलेज और टाउन पे यहाँ पर आपका विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट और डिविजन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उसका नेम यहाँ पर देना होगा। आप कौन सी स्टेट से आते हो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब यहाँ पर आपके हिसाब से देना होगा। तो अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल ट्राइब आपको कर देना होगा, ऐसे आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर दो नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ पर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो श्री, अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो श्रीमती कुमारी आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप मेल की फीमेल के हिसाब से हिज और हर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट और डिविजन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करा के, उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट है यूनियन टेरिटरी जो है इसके हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उसका नेम यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस नेम लिखना होगा, डेट देना होगा जिस तारीख पे आवेदन करोगे यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद ए फॉर्म आपको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर स्टैम्प लगाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है उस सर्टिफिकेट का नंबर होना चाहिए और जिस तारीख पे आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसका डेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी SC ST फॉर्मेट की सैंपल कॉपी कैसे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC कैंडिडेट से आते हो तो यहाँ पर आपका मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपका नेम, उसके बाद आपका पिताजी का नेम, उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज और टाउन जो है पर उसका नेम देना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट और डिविजन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट है कहा उसका नेम यहाँ पर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप OBC A और OBC B जिस कम्युनिटी से आते हो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद उस कम्युनिटी का यहाँ पर आपको कम्युनिटी देना पड़ेगा, आप चाहे तो ये पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको फिर से आपका नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी जगह रेसिडेंशियल है यहाँ पर आपको देना होगा, आपका स्टेट नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर ही और सी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पर्सन और सेक्शन के हिसाब से यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट, आप जिस तारीख पर आवेदन करोगे या उसका डेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस नेम देना होगा। उसके बाद ए फॉर्म यानी आपका ओबीसी का फॉर्मेट आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर से सील लगा के सिग्नेचर करा के आपके पास होना चाहिए। ए ओबीसी की फॉर्मेट की फॉर्म फिलअप कैसे करता है इसके बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली ओ का सेक्शन से आते हो तो उसका सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा, आप गवर्नमेंट ऑफ कौन सी स्टेट से आते हो यहाँ पर आपको देना होगा, वैलिड ऑफ फॉर द ईयर यहाँ पर आपको देना होगा, डेट देना होगा, आपका नेम देना होगा यहाँ पर, आपका पिताजी का नेम, आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर आपको देना होगा, आपका विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपको देना होगा, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर दो नंबर पे फिर से आपको नेम देना पड़ेगा। आप कौन सी कास्ट से आते हो यहाँ पर आपको देना होगा, आप जिस कार्ड से देंगे उसके हिसाब से उसका सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको सिग्नेचर और डेजिग्नेशन लगा के सील लगा के आपका नियर बाय अथॉरिटी से फिलअप करके आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी इकोनॉमिकली वर्कर सेक्शन के लिए, और इसके साथ आपको ऑफलाइन फॉर्म जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एप्लीकेशन में आपको चिपकाना है, सिग्नेचर करना है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके साथ और आपको DOB प्रूफ यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मूल निवास सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और इसके साथ आपको ये देना पड़ेगा, और इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। यहाँ पर आप जो जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर आपको रनिंग हैंड सिग्नेचर करना नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप डोमिसाइल का सर्टिफिकेट निकाल के उसके फोटोकॉपी के ऊपर आपको सिग्नेचर डेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप SC ST और OBC कम्युनिटी से आते हो तो उसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद अगर आप SC ST कम्युनिटी से आते हो तो फिर से आपको इसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड कराना है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली ओएका सेक्शन से आते हो तो इसका फोटोकॉपी निकाल के इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड कराना है। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उसके ऊपर आपको ब्लैक कलर पेन से आपको फिलअप करना होगा, उसी कलर पेन से आपको ऐसे रनिंग हैंड सिग्नेचर करना मस्ट है। सारे डॉक्यूमेंट्स पे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, DOB प्रूफ, बर्थ प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स पे ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। तो सारे हो जाने के बाद आपको ऐसे दो एनवलप लेना पड़ेगा,
उसके बाद एक के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर बीआर भवन ग्रुप डी। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपका नेम लिखना पड़ेगा, केयर ऑफ देकर पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको ब्लैक कलर पेन से फिलअप करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपने जब टाइप किया वो ब्लैक कलर से ही आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टू देकर राइट साइड पे आपका नेम, केयर ऑफ देकर पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको देना होगा। ध्यान रखना इस एनवेलप के थ्रू आपका एप्लीकेशन भेजना होगा और इस एनवेलप के अंदर आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। इसके लिए आपको टू राइट साइड पे लिखना पड़ेगा और इस पे आपको लेफ्ट साइड पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद इस एनवेलप पे जिसके राइट साइड पे आपने टू देकर भरा है उसको यहाँ पर 32 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना है जिसके अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये पोस्टल स्टैम्प आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर आपको चिपका देना है। उसके बाद जिस एनवेलप के लेफ्ट साइड पे आपने फॉर्म देकर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर बीआर भवन ग्रुप डी लिखा, इसको राइट साइड पे आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। वो एड्रेस है आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा, टू देकर द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बीआर भवन 5 कतलिया मार्ग चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा 30 दिसंबर 2022 5 PM से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। आप किसी माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो उस एड्रेस को यहाँ पर टू देकर आपको लिखना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपका फोन करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोन ना है। अरेंज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसे आपको एप्लीकेशन अरेंज करना होगा। पहले एप्लीकेशन, उसके बाद आपका डोमिशियल, सारे एडुकेशन क्वालिफिकेशन, बर्थ प्रूफ, सारे जो डॉक्यूमेंट्स उसको आपको अरेंज कर लेना होगा। तो उसके बाद ऐसे आपको कर लेना है। उसके बाद इस एनवेलप के अंदर आपको पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद 32 रुपीज वाला एनवेलप इसके अंदर आपको भेजना है। उसके बाद इस एनवेलप को गम से चिपका के आपको किसी भी माध्यम से आपको भेज देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। किसी प्रॉब्लम में तो कमेंट कर सकते हैं आप, हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी हमें जुड़ सकते हैं। उस पे जाकर आप आपका प्रॉब्लम बताना, मैं आपका प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।